46वीं कहानी पौलुसोक मसीह विश्वासी बनुन। साउल नामक एक आदिम छो जो यीशु में विश्वास नहीं कर छो। जब वो जवान छो तब वो स्तपनु सस मारुन वाल लोगों का कपड़ान की निगरानी करुमरेच। बाद में उल विश्वासिन सताज उल यरूशलम में घर घर जाबरन आदमीन और शैनिन पकड़ भिरन जेल खान में डाल दीच। तब महाजकल साउलस दमिश्क नगर में जाना अनुमति दीच। उल वहाँ मसीह में विश्वास करुन वालान पकड़ भिरन उन्होंने वापस यरूशलम में ल्यून खिन साउल थे क्योच। साउल दमिश्क जानखिन सफर शुरू कर छे। उ नगर में उजुन है थड़ पहली। उ चारों तरफ आकाश में बहुत ज्यादा उजाल चमक छे और साउल उ उजालास देख भेन भीमे खिती पड़ छे और उल कैसा यो कुन सुन छे, हे साउल ते मैस किले सतू छे। तब साउल पूछे, हे प्रभु ते कुछ है। यीशु जवाब दीच, मैं यीशु छू ते मैस किले सतुन मरे छे। जब साउल उठ छे त उस देखिन बंद हो गयो। उक मित्र उस दमिश्क खिन ले गयान। साउल तीन दिन तक न के खाय न पियो। दमिश्क में हनन्या नामक एक शिष्य छो परमेश्वर उठा क्योज। उ घर में जा साउल रुकीनाक छे अपुन हाथ उमे राखे ताकि उ फिर देखुन लागो। लेकिन हनन्याल क्योज, हे प्रभु मैल सुन छे कि उ आदिमेल ते विश्वासिन कसके सताइनाक छे। परमेश्वर उ जवाब दीच, जा मैल उस यहूदीन खिन और दूसर जातिक लोगुन में मेर नामुक प्रचार करुन खिन सुन रेच और उ म्यार कारण बहुत दुख उठाल और अपुन हाथ उमर राखबेन क्योज, हे भाई साउल प्रभु तेज बाट में दिखाई दीज। उल मैस तेर पास भेज छे ताकि ते देखुन लागो और पवित्र आत्मा तेज पिलो। तुरंत साउल उंजई देखुन लागचो और हनन्याल उस बक्तिस्मा दीच। तब साउल अलखन खाच और उस ताकत मिल छे और फिर साउल दमिश्क में रुनवाल यहूदीन में प्रचार करुन और यो कुन शुरू कर छे, यीशु ही परमेश्वर चुल छे। यो सुन भिरन यहूदी लोगों ताजुब में छा कि ये वही साउल छी जो विश्वासिन मार डाल छो। लेकिन साउल यहूदीन का दिगाड़ वाद विवाद कर छो और उन्होंने बत्यूच कि यीशु ही मसीह छे। बहुत दिनों का बाद यहूदीन ले साउलस मार डालना प्लान बनाच। उन्होंने उस मार डालुन खिन एक नगराक फाटुकुन का पास लोगुन भेजे कि उक निगरानी करुन। लेकिन साउल उनार पलानक बारे में जान लीज। उग मित्रुन ले उग मदद कर छे। एक रात उन्होंने साउलस टोकरी में बैठा भरन नगरक दीवार भटे तल उतार दीज। दमिश्क भटे बज भर निकलनाक बाद साउल यीशु के बारे में प्रचार करुन जारी रख छे। साउल प्रेरितुन मिलुन खिन यरूशलम ग्योस। लेकिन प्रेरित उह डर छा तब बरनबास नामक एक विश्वासी साउलस प्रेरितुन का पास लिभरन ग्योच। उल उन्होन बताच कि साउल कसके हिम्मत अल दमिश्क में प्रचार कर छे। उग बाद प्रेरितुन ले साउल में विश्वास कर छे। कुछ विश्वासी यरूशलम में सताव कारण भाग भिरन अंताकिया नगर में नह गया और यीशु के बारे में प्रचार कर छा। अंताकिया में रुनवाल ज्यादातर लोग यहूदी नहीं छा। लेकिन पहल बार उन्होंने में भटे बहुत लोग विश्वासी बन गया। बरनबास और साउल इन नया विश्वासीन यीशु के बारे में और ज्यादा सिखून खीन वहाँ ज्ञान और वहाँ कलिसियान मजबूत कर छे। यीशु में विश्वास करुन वाल पहल बार अंताकिया में मसीह कहलायन। एक दिना अंताकिया तो मसीह लोग उपवासाक तगड़ प्रार्थना करुमरेज। पवित्र आत्मा उनुंथे क्योज, मैं खिन बरनबास और साउलस उ काम खिन अलग करा जैस करुनखिन मैल उनुन बुलारेच। एक कारण अंताकिया कलिसियाल बरनबास और साउल खिन प्रार्थना कर छे। उनुन में अपुन हाथ राखियन और उनुन ले उनुन यीशु के बारे में सुसमाचार प्रचार करुनखिन भेजे। बरनबास और साउल गैर यहूदीन में जाबरन शिक्षा दीज और बहुत लोगुन ले यीशु में विश्वास कर छे।